आइए फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सम्मोहन उपचार वो लोगों के लिए जिनको यात्रा करने में, सफर करने में, ट्रैवल करने में प्रॉब्लम है। वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, बस में, ट्रेन में, कार में या घर के बाहर निकल नहीं सकते, बहुत डर लगता है, उनको फोबिया है और फिर उसमें वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो भी उनके लिए सूचना कौन सी देना वो हम बताते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, अकोला, पुणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये जो सम्मोहन उपचार है, इसके लिए आपको आराम से बैठना है, रिलैक्स होके। मैं तीन शब्द के अर्थ बार बार तीन शब्द बोलूंगा, उसके अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। एक है बार बार मैं रिलैक्स ऐसा बोलूंगा, तो रिलैक्स इसका मतलब शिथिल करना, ढीला करना, पूरा बदन ढीला करने का है। मैं बोलूंगा स्लीप, स्लीप मतलब अपन घर में सो रहे हैं, घर पे गद्दी पर लेटे और सो रहे, ऐसी कल्पना करना है स्लीप। और डीप मतलब अंधेरा, गहरा अंधेरा। तो जब जब मैं डीप ऐसा बोलूंगा, तब आप गहरी गहरी गुफा में जा रहे, अंदर अंदर अंधेरी गुफा में, और आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा आ रहा है, ऐसी कल्पना करना है। तो आप कुर्सी पे बैठिए, अपना सिर जो है वो दीवार को टिक के रखो ताकि वो सपोर्ट हो जाएगा। एक हाथ अपने पैर के ऊपर रखना है, दोनों पैर को कैंची मारना है और आराम से आंखें बंद करके बैठना है। कमरे में हल्का सा ब्लू लाइट होना, नीले रंग का लाइट, आवाज़ नहीं होना, मोबाइल ऑफ करो, घर के लोगों को बोल के रखो कि मुझे अभी सम्मोहन करना है तो आप डिस्टर्ब मत करो, एकदम शांति की जगह जाके बैठो। तो हम चालू करते हैं, आंखें बंद, पूरा बदन रिलैक्स, पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए, पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो गए, पैरों के पंजे रिलैक्स करो, पंजे रिलैक्स हो गए, घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स, दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स हो गए, पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया, कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गई, पीठ रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स हो गई, सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया, कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए, दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स हो गई, जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, गाल रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखों की पलकें रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, माथा रिलैक्स, सिर रिलैक्स, पूरा चेहरा रिलैक्स, गर्दन, हाथ, पैर, पूरा रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स करो। एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। मैं भी एक से दस तक गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहनावस्था और गहरी गहरी होते जाएंगी और आप डीप 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 सम्मोहनावस्था में चले जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ,
स्लीप 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 डीप। मैं अभी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूं, वह सूचनाओं का अच्छी तरह पालन करना है। सूचनाएं रोज के जीवन में, रोज के व्यवहार में अपनाने की है। जब जब आपके मन में ऐसे बार बार के विचार आएंगे कि मैं यात्रा कर रहा हूं और डरा हुआ हूं, तो ऐसे विचारों को आप बाजू में रखेंगे और ऐसी कल्पना करेंगे कि आप यात्रा कर रहे, आप ट्रैवल कर रहे और आप रिलैक्स हैं। जब जब आपके मन में बार बार यात्रा के विचार आएंगे, यात्रा के समय डर के विचार आएंगे कि मैं ट्रैवल कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, इस समय आप वो विचारों को बाजू में रखेंगे और इमेजिन करेंगे कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से आपका ट्रैवल कर रहे हैं, आपका सफ़र कर रहे हैं, आपकी यात्रा कर रहे हैं। इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। जब जब विचार आएंगे तब तक विजुअलाइज करें। जब जब आप यात्रा के विचार आपके मन में आएंगे, डर लगेगा, तब तब आपने ऐसी कल्पना करना है कि आप यात्रा कर रहे हो और एकदम रिलैक्स है। वो यात्रा के विचार, डर के विचार बाजू में रखेंगे, अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे और एकदम रिलैक्स 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 महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। कोई भी यात्रा के समय आप उसको आत्मविश्वास के साथ में फेस कर सकेंगे। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। कोई भी यात्रा को, यात्रा के समय आप उसको आत्मविश्वास के साथ में फेस कर सकेंगे। जब भी कोई यात्रा करना है, ट्रैवल करना है, तो आप बड़े आत्मविश्वास से वो कर सकेंगे। अब ऐसी कल्पना करो कि आप यात्रा कर रहे हो और आत्मविश्वास से वो कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और कोई भी यात्रा के समय आप आत्मविश्वास से यात्रा कर रहे हैं, ऐसी कल्पना करो। बहुत ही पावरफुली यात्रा, ट्रैवल, सफ़र कर रहे हैं। अभी आपको ऐसी कल्पना करना है कि आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं या ट्रेन में, जो भी आपको डर लगता है वो आप सफ़र कर रहे हैं, ऐसी कल्पना करो। अभी उसमें बैठे हुए हैं, बस में, कार में, ट्रेन में बैठे हुए हैं, कल्पना करो और एकदम आप रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, कोई किसी बात का डर नहीं, आत्मविश्वास है, मन एकदम शांत है, सीने में धड़कन नहीं है, बहुत ही रिलैक्स, विचार रिलैक्स, बहुत ही पावरफुली आप यात्रा कर रहे हैं, सबके साथ में बातचीत कर रहे हैं, मज़ा आ रही है, वंडरफुल लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। तभी आप कल्पना करो कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नी चालू है, बस या ट्रेन में या कार या जो भी आपको जहाँ भी डर लगता है वो आप ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें आप एकदम रिलैक्स बैठे हुए हैं, एकदम रिलैक्स, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको मस्त लग रहा है, फर्स्ट क्लास रिलैक्स, ऐसी कल्पना कर रहा है। ऐसी कल्पना करते रहो, मैं भी चुप बैठूंगा। अभी आप वो कल्पना करो, कल्पना करो कि आप ऐसा सफर कर रहे हैं, बहुत मजा आ रही है, वंडरफुल, बहुत रिलैक्स और कुछ भी तो नहीं लग रहा है आपको, मजा आ रही है, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, आप सब मस्त ट्रैवल करके वापस आ गए घर में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो कि घर के बाहर निकल गए, रिलैक्स है, कुछ समय घर के बाहर निकल गए, अपनी सूटकेस लेके वापस आ गए, इतना ही आप पहला छोटा सा स्टेप ले सकते हो। बाद में घर के बाहर निकल गए, कार में बैठे हैं और कार में बैठे थोड़ी कार चलाई, वापस आ गए, वो आप इमेजिन करके फिर धीरे 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 अपना अंतर जो है ट्रैवल जो बढ़ाना है, बस का हो ट्रेन का हो, अपना ट्रैवल टाइम जो है वो बढ़ाने का है और आप रिलैक्स बैठे हैं, ऐसा कल्पना करना है।
बहुत बढ़िया। अभी मैं 3 से 1 तक उल्टी गिनती करूंगा, जैसे जैसे गिनती कम कम होते जाएंगी वैसे वैसे आपकी सम्मोह अवस्था धीरे धीरे खुल जाएंगी और आपको जाग आ जाएंगे। जागने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा। 3, धीरे धीरे आंखें खोलो, आपको सम्मोह में से जाग रही है। 2 और 1, उठो जाग जाओ। तो देखिए, ये वीडियो आपको 4 बार सुनने का है रोज, और हर बार आपको विजुअलाइजेशन करना है। सिर्फ सूचनाएं देखे, सिर्फ सुझाव देखे कुछ होने वाला है नहीं। आपको बार 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 आपको हैमरिंग करना पड़ेगा, बार 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 आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन को सिर्फ चित्र दिखते हैं, शब्द दिखते नहीं है। तो बार 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 चित्र बताने पड़ेंगे। चित्र बता के, पिक्चर देख के, विजुअलाइज करके, कल्पना करके मैं यात्रा कर रहा हूँ, यात्रा करके आ गया हूँ, या मैंने पहले वीडियो में कहा है कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, एग्जाम देकर आया, या इंटरव्यू देकर आया, या स्टेज पे बात करके आया, जो भी है वो हमने किया हुआ है, ऐसी कल्पना करना है, वैसा डन डील है, ऐसी कल्पना करना है तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करो, 4 से 6 महीने में आपको फर्क पड़ जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।